कहते एक और बड़ी खबर की ओर जो कि लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनाव आते ही एक बार फिर जागा सीबीआई का जिन। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां चुनाव आते ही एक बार फिर सीबीआई का जिन जाग उठा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई का समन। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीबीआई ने अवैध खनन मामले में किया समन जारी। बता दें 29 फरवरी को अखिलेश यादव से होगी पूछताछ। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोग चुनाव आते ही एक बार फिर सीबीआई का जिन जो है वो जाग उठा है, और इस बार अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है। बता दें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दानिश वारसी से। दानिश, एक लोकसभा चुनाव नजदीक है और एक बार फिर सीबीआई का जिन जो है वो एक्टिव हो गया, और इस बार अखिलेश यादव को सीबीआई ने समन जारी किया है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, इनको समाज सीबीआई का जो समन मिला है, ये समन पहली बार नहीं मिला है, ये तीसरी बार मिला है। और तीसरी बार जो संबंध मिला है तो ये लोकसभा चुनाव से पहले, इसलिए इसको सीबीआई को जिन्न में बना दिया, यानी कि फिर एक बार बोतल से जिन्न सीबीआई का बाहर निकला है, लेकिन इससे पहले दो बार और निकल चुका है। तो अखिलेश यादव को जो 160 सीआरपीसी में समन भेजा गया है सीबीआई के द्वारा, तो उसमें 29 फरवरी को पूछताछ में बुलाया गया है। बतौर गवाह के रूप में अखिलेश यादव को सीबीआई ने बुलाया है, और नोटिस में ये कहा गया है कि मामले से जुड़े जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष उपस्थित होना है। मामला 2012 से 16 के बीच का है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब यह अवैध खनन का मामला था। इस मामले पर अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने जो प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा है सोशल साइट एक्स पर कि सीबीआई ईडी हर चुनाव में सक्रिय हो जाती है और बीजेपी के इशारों पर सम्मन भेजती है, हम डरने वाले नहीं। हालांकि ये सम्मन हाईकोर्ट के निर्देश पर है, हाईकोर्ट ने 28 जुलाई 2016 को आदेश दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इसमें डीएम हमीरपुर, जियोलॉजिस्ट, माइनिंग ऑफिसर, क्लर्क, लीज होल्डर, प्राइवेट और अज्ञात लोगों के खिलाफ 120B, 379, 384, 420, 511 में मामला दर्ज किया गया था। 5 जनवरी 2019 को 12 जगहों पर सीबीआई ने जब छापे मारे थे और काफी कैश और गोल्ड बरामद हुआ था, इस मामले में सीबीआई ने अखिलेश को 29 फरवरी को विटनेस के तौर पर पार्टी बनाया था, जिसमें सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के तौर पर बुलाया है। हालांकि माइनिंग लैंड के जो मामले हैं वो सीबीआई देख रही है और ये हाईकोर्ट के निर्देश पर है। तो चुनाव से पहले जो संबंध जारी हुआ है, इस पर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई ईडी ने संबंध भेजा है, लेकिन हाईकोर्ट के इशारे पर ये काम हुआ है, हाईकोर्ट के आदेश पर काम हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो बोतल से जिन निकला है सीबीआई का, ये इससे पहले दो बार निकल चुका है। तो क्या सीबीआई केवल संबंध भेजकर कार्रवाई करेगी? सीबीआई की जांच कब पूरी होगी? बड़े सवाल ये हैं। इस सवालों को लेकर के भी जनता या दर्शक ये भी सोचते होंगे मन में कि अगर सीबीआई का सम्मान आ रहा है, तीसरी बार फिर क्यों चुनाव से पहले आया, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, इनको लेकर काफी सवाल है। फिलहाल अखिलेश यादव को जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं चुनाव में उनको डिस्टर्ब कर सकता है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव के राज्यसभा सीटों को लेकर थोड़ा उथल पुथल चल रहा है, अंदरूनी कला समाजवादी पार्टी में विधायकों को लेकर चल रही, और अब अखिलेश यादव को सीबीआई का सम्मान भी अखिलेश यादव को बेहद परेशान करेगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताया था, जहां चुनाव आते ही एक बार फिर सीबीआई का जिन एक्टिव हो गया है, और इस बार अखिलेश यादव को समन जारी किया गया है।